Hello, very good morning, dear all students. This is lecture number 3rd of design of slab. In this current lecture, we are going to deal with the numericals of the slab. ये lecture number 3rd है design of slab का. इसमें हम लोग numericals को देखेंगे. जैसे कि previous question में हम लोग numerical को solve किए थे, उसी पे based ये numerical है. जैसे कि question आप देख पा रहे हैं screen board पे. यहाँ पे एक हॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर बाई 7 मीटर इनसाइड विद दी वॉल. वॉल का थिकनेस दिया हुआ है 230 mm. और डिज़ाइन करना है RCC स्लैब का जिसमें M20 कंक्रीट दिया हुआ है और फेरस 415 स्टील. टोटल लोड दिया हुआ है 5.5 kN/m². चेक करना है शेयर के लिए और डेवलपमेंट लेंथ के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो स्लैब है वन वे है और टू वे है. उसके लिए क्या करते हैं हम लोग LY/LX निकालते हैं, यानी कि स्पैन इन लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइड बाई स्पैन इन शॉर्टर डायरेक्शन डिवाइड करेंगे. और अगर ग्रेटर देन टू आता है तो क्या है, वन वे स्लैब है. तो 2.33 है, ग्रेटर देन टू है, ये क्या है, वन वे स्लैब है. उसके बाद डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकालेंगे M20 एंड फेरस 415, M20 कॉन्क्रीट और फेरस 415 स्टील के लिए. FCK की वैल्यू M20 कॉन्क्रीट के लिए कितना होगा, 20 N/mm² और यील्ड स्ट्रेंथ फेरस 415 स्टील के लिए 415 N/mm². XU मैक्स की वैल्यू होती है फेरस 415 स्टील के लिए 0.48D और MU लिमिट होती है 0.138 FCK BD² 415 के लिए. ठीक है, उसके बाद में हम स्लैब का थिकनेस को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. तो मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम में जो स्लैब का थिकनेस एस्टिमेशन का फॉर्मूला है D=SPAN/20×MF. तो यहाँ पे हम एक एज्यूम करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील को वैल्यू को, PT को एज्यूम करेंगे. ठीक है, PT का एज्यूम करेंगे. जो हमारा टेबल है जैसे कि मैंने पहले बताया था, वहाँ से हमने PT एज्यूम किया है 0.35%. ठीक है, अब 0.35% के कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा फेरस 415 स्टील है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है 1.4. जैसे कि मैंने पहले जो डायग्राम्स थे वहाँ पे मैंने अब एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे डी निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू स्पैन बाई 20×मॉडिफिकेशन फैक्टर. तो मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू 1.4 पुट करेंगे, यहाँ से हमारे स्मॉल डी का वैल्यू आएगा. ठीक है, उसके बाद में हम लोग मेन स्टील का वैल्यू, हम लोग मान लिए कि 10 mm डायमीटर का मेन बार है और नॉमिनल कवर हम लोग ले रहे हैं 20 mm, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो टोटल डेप्थ की वैल्यू को निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, डी प्लस कवर हम लोग ले रहे हैं 20 mm प्लस जो हमारा स्टील है 10 mm का, उसका आधा करेंगे तो ये हमारा कैपिटल डी का वैल्यू निकल जाएगा 132.14 mm. तो यहाँ से डी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लगभग 135 mm. ठीक है, उसके बाद डी अवेलेबल की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि पहले निकाले थे हम लोग. तो डी माइनस डीसी माइनस 5/2 ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 110 mm. ठीक है, अब इफेक्टिव स्पैन निकालना है. तो इफेक्टिव स्पैन के बारे में मैंने बताया था कि इफेक्टिव स्पैन होता है एल प्लस डी एल प्लस टी, दोनों में जो कम आएगा. तो यहाँ पे कम कौन सा आ रहा है, 3.11 mm. तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद जो हमारा लोड है, हम लोग 1 मीटर वाइड स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं. तो टोटल लोड का जो वैल्यू है, टोटल लोड कितना आ रहा है, W=, हमारा क्वेश्चन में दिया है 5.5 kN/m क्वेश्चन में. उसके बाद यहाँ पे हम लोग फैक्टर लोड की वैल्यू को निकालेंगे. तो फैक्टर लोड के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 से. ठीक है, तो 1.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो वहाँ पर WD का वैल्यू आ गया है. उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिज़ाइन मोमेंट. तो डिज़ाइन मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कितना होता है, WL²/8, यानी WL²/8. तो WD×LE²/8 यहाँ पे पुट करेंगे सारा वैल्यू और मैक्सिमम यानी डिज़ाइन मोमेंट की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, है ना. तो हमारे डिज़ाइन मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो डिज़ाइन मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा 9.974 kN/m. उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड ओवरऑल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ निकालना है. इसके लिए हमारा जो स्टेप्स है, MU लिमिट को हम लोग MD के बराबर इक्वेट करते हैं. तो आपको पता है MU 0.138 FCK BD² और MD के वैल्यू ऊपर में आया है, उसको हम लोग न्यूटन mm में चेंज कर लिए. तो किलो न्यूटन मीटर है, mm चेंज करना है न्यूटन mm में. तो 10^6 से मल्टीप्लाई की, यहाँ से D की वैल्यू आ गई. अब देखिए D अवेलेबल जो आया है 110 mm आया है, ग्रेटर देन क्या है, D रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे ओके है, हमारा जो 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 क्राइटेरिया है वो सेफ है. अब कैपिटल डी के वैल्यू जो आया है वो 135 mm और डी अवेलेबल क्या हो गया, 110 mm. उसके बाद एरिया ऑफ मेन स्टील निकालेंगे. तो एरिया ऑफ मेन स्टील निकालने का फॉर्मूला बताया थे हमने, 0.5 FCK/FY ब्रैकेट ऑन 1 −√1 − 4.6 MD/FCK BD² ब्रैकेट क्लोज BD. देखिए ये फॉर्मूला आपको बनाते बनाते
मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को बार बार यूटिलाइज करें एसटी निकालने के लिए, आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएगा। ये वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, बी का जो वैल्यू है हम लोग 1 मीटर के लिए लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 1000 लिखा गया है, बाकी डी के वैल्यू 110 mm है। ठीक है, बाकी एफ सी के का वैल्यू यहाँ पे 20 और एफ आई के वैल्यू 415 और एफ डी के वैल्यू सब वैल्यू को पुट किया गया जो नॉन वैल्यू है, तो 264.45 mm² आया। उसके बाद में स्पेसिंग ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट, मेन रिइंफोर्समेंट का स्पेसिंग निकालेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि देखिए यहाँ पे आप देखिए 8 mm डायमीटर बार्स का प्रोवाइडेड किया गया है, तो यहाँ पे आप यहाँ एफ आई की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ आई यानी पाई बाई 4 इंटू क्या होगा डी स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और ए एस टी की वैल्यू 264 आया है यहाँ पे 264.45 ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 190.05। आपको मैंने बताया था कि जो मेन स्टील है उसका मैक्सिमम स्पेसिंग जो होना चाहिए प्रोसीड नहीं करना चाहिए 3D और 300 mm से ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो होगा मतलब ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी केसेस में। तो आप उसको भी चेक कर लीजिए, उसमें जो मिनिमम आएगा उसको हम लोग वैल्यू एज्यूम कर लेंगे स्पेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ गया है, एस मैक्स की वैल्यू 3D और 300 mm रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखिए 300 mm। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है 190.05 है एस की वैल्यू, तो वहाँ पे 190 mm सेंटर टू सेंटर रख लेंगे, क्लियर कवर कितना है 20 mm है, यहाँ पे हो गया। अब एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एएसटी बाय बीडी करते हैं। यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है ये आपका एसटीपी है 100 इंटू एफआई बाय एएस, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा एक्चुअली में ये 1000 है। ठीक है, एसटीपी निकालने के लिए ये 1000 इंटू एफआई है डिवाइड बाय एस है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 1000 है, एक्चुअली में 100 नहीं है ये 1000 है। ठीक है, 1000 इंटू एफ आई इंटू यहाँ पुट करेंगे सारे वैल्यू को, नॉन वैल्यू को पुट करेंगे तो एसटीपी की वैल्यू एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है एएसटी डिवाइड बाय बीडी इनटू 100, तो एएसटीपी डिवाइड बाय बीडी इनटू 100 करेंगे तो आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आया 264.52 और बी के वैल्यू 1000 है, डी के वैल्यू 110 है और यहाँ पे 100 है, इसको पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.24%, यानी कि जो पीटीपी का वैल्यू है 0.24% आ गया एंड फिर है 415 स्टील। तो एक पहले मैंने एज्यूम किया था और एक एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर जो आया उसके अकॉर्डिंग हम स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम स्टील की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टील का वैल्यू है वो कितना आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेप्थ की वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, तो एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो आपका वैल्यू आया है ये जरिए बता देख लेते हैं कितना आ रहा है, सॉरी थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग आप रखेंगे पुट करेंगे जो सेम फॉर्मूला में तो आएगा 93.75 mm। ठीक है, यानी डी डिफ्लेक्शन लेस देन आना चाहिए डी अवेलेबल से। ठीक है, जो आपका डिफ्लेक्शन कारण डेप्थ है वो अवेलेबल से क्या होना चाहिए कम आना चाहिए, तो ये सही है हमारा स्टेप, तो अब ये क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर उसके कारण एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का निकालेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए मैंने बताया था कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उसके लिए जो हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर 415 है यानी एच वाई एस डी बार है 0.15%, अगर 250 है यानी माइल्ड स्टील है तो उसके लिए लेते हैं 0.12%, है ना। तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो स्टील है वो 415 है यहाँ पे हम लोगों ने लिया 0.15% एरिया ऑफ बी डी का वैल्यू, है ना, तो बी का वैल्यू 1000 डी का वैल्यू 135 mm यहाँ पुट करेंगे तो एस टी डी निकल जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने 6 mm बार लिया है यहाँ पे किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चूंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो हमेशा हम मेन स्टील से कम लेते हैं तो एस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो एस डी की वैल्यू आ गई आपके 139.60 mm। ठीक है, अब एस मैक्स की वैल्यू कितनी होती है 5D लेंगे या फिर हम ले सकते हैं 5D जनरली लेते हैं और 5D और 450 mm उसमें से जो कम होगा ये मैक्सिमम स्पेसिंग है, जनरली हम लोग मिनिमम रखते हैं, तो 139.60 मिनिमम है तो लगभग हम लोग जो 139 है अब ऐसा नहीं कि 140 ले सकते हैं, उससे कम ही लेंगे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो 130 mm सेंटर टू सेंटर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिंग को क्या किया ले लिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपका निकल गया। अब देखिए आज क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता तो नहीं निकालता, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, शेयर में चेक करना है तो शेयर में हम लोग चेक करेंगे, तो शेयर के बारे में आप लोगों को पता है पहले और डेवलपमेंट के बारे में भी पता है, और एक्चुअली में मैंने पहले लेक्चर्स में शेयर और डेवलपमेंट लिंक के बारे में प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो चेक फॉर सीआर सबसे पहले हम लोग व्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू डी एल ई बाई टू, डब्ल्यू की वैल्यू 8.25 है और एल ई की वैल्यू 3.11 आया है वो 2 पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर टॉबी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या गया वीयू बाई बी डी, तो वीयू की वैल्यू आप ऊपर से निकाल चुके हो, बी डी की वैल्यू पुट करोगे 0.116 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रीवियस चैप्टर का ही है, ये सब चीज़ नया कुछ नहीं है। पी टी पी आई 0.24%, ठीक है, जो एक्चुअल है 0.24% एंड M20 कॉन्क्रीट, तो टेबल के अकॉर्डिंग टाउसी की वैल्यू जो आती है 0.36 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आती है। एक न्यू चीज़ जो आपको समझना है यहाँ पे, डी का वैल्यू, कैपिटल डी का वैल्यू अगर 135 एम एम है तो टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पे के का वैल्यू एक एज्यूम करते हैं जो कि 1.3 है, ठीक है। चूंकि डी का वैल्यू अगर 150 से कम होता है तो वहाँ पे के का वैल्यू हम 1.3 लेते हैं। ये चीज़ आपके लिए एक नया होगा तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर कैपिटल डी के वैल्यू लेस देन 150 एम एम है तो उसके लिए के की वैल्यू हम 1.3 एम एम लेते हैं, 1.3 लेते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट निकालते हैं टाउसी डैश, जिसमें हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे टाउसी में, तो ये आपका आ जाएगा 0.46 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये आपका आ गया टाउसी डैश की वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि ये के का वैल्यू को जाना जरूरत है, चूंकि सब स्लैब के केस में अगर डी का वैल्यू, डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, कैपिटल डी के वैल्यू पे यहाँ पे के डिपेंड करता है, ठीक है। एक इसका इसका अटैचमेंट मैंने नीचे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नीचे कर रखा है कि डी का वैल्यू कैसे किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये चीज़ जो नया था मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है। डी का वैल्यू स्लैब के टोटल डेप्थ पर डिपेंड करेगा, तो ये चीज़ आपका इसका अटैचमेंट नीचे में लिखा हुआ दिया गया है, आप एक बार देख लेना उसको तो समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है। अब देख लीजिए वी यू सी है ना, शेयर स्ट्रेंथ बाई कॉन्क्रीट कितना होता है, टाउसी इंटू बी डी होता है, कितना होता है टाउसी इंटू बी डी, शेयर रजिस्टर्ड बाई कॉन्क्रीट कितना होता है टाउसी इंटू बी डी, तो टाउसी इंटू बी डी एंड टाउसी का वैल्यू और बी इंटू डी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेंस नो शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे चूंकि सिर्फ इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे देखिए हमें एक स्लैब में एक और चीज़ है, आपको टाउ भी शुड नॉट ग्रेटर देन 1/टाउसी मैक्स, ये भी है क्लाउज नंबर 4.23.1 IS 756 से लिया गया है ये, तो आपका टाउ भी का वैल्यू आया है यहाँ पर 0.116, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/2 × 2.8, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है शेयर में भी क्या है चेक है। एक्चुअली में टाउ भी ग्रेटर देन कहीं कहीं लिखा होता है यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझना है, टाउ भी ग्रेटर देन शुड नॉट ग्रेटर देन 0.5 टाउसी मैक्स, तो यही है 1/2 लिखिए या 0.45 लिखिए, दोनों इक्वल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि शेयर में कैसे हम लोग चेक करते हैं स्लैब का, ठीक है। चूंकि ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं पूछा, पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया इसलिए मैंने नहीं कराया, तो यहाँ पे पूछा गया, तो जहाँ पे पूछा जाए तो करना है, नहीं पूछा जाए तो नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अटैच किया गया है कि यहाँ पे आपको निकालना है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है, डेवलपमेंट लेंथ भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, तो आपको पता है LD रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं, 0.87 FY × 5/4 ऑफ टाउ BD, ठीक है। तो कंक्रीट जो है M20 है, उसके लिए टाउ BD की वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, उसमें 20% बढ़ाना पड़ता है, तो जो वैल्यू है उसमें आप 20% बढ़ा दीजिए। आई होप कि ये चीज़ पहले आप मैंने करा रखा है, इसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इस वैल्यू को पुट कीजिए 415 का, और उसके बाद 1.6 होता है टाउ BD की वैल्यू, इसमें 20% बढ़ाना पड़ता है क्योंकि 415 स्टील है, और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 47 × 5, ठीक है। अब 5 के वैल्यू को पता है मैंने सिंगल कितना है 8 एमएम लिया आपने, तो यहाँ पे 3676 एमएम आपका एलडी रिक्वायर्ड आ गया। देखिए M1 का वैल्यू निकालना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि सिंस अल्टरनेट बार आर बेंट अप, यहाँ पे जो हम बेंट अप करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट बार को करते हैं, तो M1 का वैल्यू MD/2 होगा, ठीक है। कितना MD/2, टोटल जो मोमेंट आया है आपका उसका आधा कर देंगे, क्योंकि जो अल्टरनेट बार है उसको बेंट किया गया है, तो MD/2 हो गया। एक और चेक यहाँ पे करना है 1.3 M1/VU, तो 1.3 और M1 की वैल्यू जो है आपको पता है, एक्चुअली में 4. इतना आया है किलोमीटर मीटर एमएम में चेंज कर दीजिए, और VU का वैल्यू क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे नीचे डिजाइन से एयरफोर्स का वैल्यू है ना, VU का वैल्यू तो 505 एमएम आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं L0 की वैल्यू, यानी कि L0 कहने का मतलब है जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है उसका डिस्टेंस 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करिएगा यहाँ पे, तो ये सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ग्रेटर देन LD रिक्वायर्ड, ठीक है। चूंकि LD रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया हुआ है 376 एमएम, ये आ गया 505, यानी कि ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि जो हम लोग क्राइटेरिया था, जो डिज़ाइन कंसिडरेशन था वो सही है, ठीक है। आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था डिज़ाइन ऑफ स्लैब का बेस्ड ऑन दी सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके बाद हम लोग कैंटिलीवर बीम का केसेस देखेंगे, छज्जा का केसेस देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे स्टेयर पे, उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स उसको देखेंगे, क्योंकि स्टेयर का न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे।
तो ये चैप्टर वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स कराए गए हैं उसका प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा आप लोगों के द्वारा, ठीक है। आप लोग कंसर्स नहीं है प्रीवियस चैप्टर्स जितने भी कराए गए, मैं अभी तक इसलिए रुका था कि पहले के जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आप उसको क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करें और जो भी पीडीएफ्स भेजा जा रहा है आप उसका नोट्स प्रीपेयर करें, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, दिस इज एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। सो आप लोग नोट्स को प्रीपेयर कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिसको जिन फ्रेंड्स को आपको नीड्स है उनको आप ही शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्फोर्समेंट डिटेल दिखाया गया, तो वैसे इन्फोर्समेंट डिटेल्स दिखा देना है कि जो इन्फोर्समेंट डिटेल्स है उसमें आपको दिखा देना है कि मेन बार कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ये जैसे कि आप इस फिगर में दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अटैचमेंट है जिससे मैंने बताया था कि ओवरऑल डेप्थ कितना होगा, तो उसके लिए क्या वैल्यू की अज्यूम करेंगे। देखिए 150 और 150 के कॉरस्पॉन्डिंग में 1.3 लेते हैं, 175 है तो 1.25 लेंगे, 200 है तो 1.20 लेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने अटैचमेंट यहाँ पर दिखाया था। एक और अटैचमेंट जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 415 स्टील के लिए हम लोग कितना से कितना के बीच में अज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील करते हैं, और यहाँ पे एफएस की वैल्यू कितना लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग कितना लेते हैं वैल्यू मॉडिफिकेशन फैक्टर का। ये चीज़ अब मैंने पहले बताया था, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन में अटैचमेंट कर दिया है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।